एक छोटा सा एप्लीकेशन करके देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस 2R, a spherical cavity is created. Spherical cavity is created of radius R, whose surface touches, whose surface touches the center of the given sphere. Find the gravitational field at pehla center of cavity ke center pe field nikalni hai, aur dusri find the gravitational field at a point at a distance 3R from center of sphere on the line joining center of sphere and center of cavity. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए इसका मास जो है वो 8m कर देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन का डेटा थोड़ा ध्यान रखना। मैंने स्फीयर का मास 8m दिया है, ठीक है, m नहीं दिया है। आपको समझ आएगा मैंने 8m क्यों दिया है, कैलकुलेशन उससे आसान होगा। ओके, देखो सबसे पहले चीज ये है कि उसने जो डायग्राम दिया है, जो क्वेश्चन बोला है, उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम ड्रॉ करो जितना आप समझ रहे हो। जैसे एक स्फीयर लेना है आपको, दिस इज स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस आपको 2R मार्क करनी है, दिस इज 2R। उसके बाद का जो सेकंड पार्ट है, देखो उसने क्या कह रखा है, अ स्फेरिकल कैविटी इज क्रिएटेड ऑफ रेडियस R हुज सरफेस टचेस द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर, हुज सरफेस टचेस द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर। मतलब कुछ ऐसा होगा, जैसे ये इसका सेंटर है तो इसको उसका सरफेस टच करता हुआ जाएगा, कुछ ऐसा होगा। देखो तो क्या ऐसा ही होगा? हाँ सर, नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर इसकी रेडियस आर है तो डायमीटर तो 2R हुआ ना इसका भी, तो इसका मतलब सिर्फ सेंटर को टच नहीं करेगा, इस एक्चुअल स्फीयर का जो पेरिफेरी है, मतलब जो सरफेस है, उसको भी टच करेगा। ये समझ आ रही है आपको? हाँ सर, जस्ट सेकंड। ठीक है, अब देखो ये सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ कैविटी, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन भी ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ किया हमने, ठीक है, अब इस पे ही उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे हमें फील्ड निकालने के लिए बोला है। पहला चीज तो ये ध्यान रखो कि कैविटी है जहां पे, वहां पे कोई मास नहीं है, ठीक है ना, ऑब्वियसली वहां पे मास नहीं होगा। जो मास होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पोर्शन पे ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हमारा जो सॉलिड पोर्शन है उसमें ही मास है, कैविटी में कोई मास नहीं है। देखो अब ये सोच के देखो, मैंने आपको ये वाले कंसेप्ट जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सेंटर ऑफ मास के वक्त पहली बार बताई थी आपको, कि जब भी कोई रेगुलर पोर्शन से कुछ पोर्शन काट के बाहर निकाल देते हैं और कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको बोलते हैं, तो सबसे इजिएस्ट वे होता है कि जो काट के बाहर निकाला हुआ उसको अपनी तरफ से वापस से ऐड कर दो और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा लो। सिखाया था आपको, याद है? हाँ सर, ठीक है।
तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसा ही सोचना है कि बेसिकली जो पोर्शन मिसिंग है वो पोर्शन को अपनी तरफ से फिलअप कर दो, तो उसका जो फील्ड आएगा वो वाला फील्ड को ही आपको तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पोर्शन मिसिंग है इस पोर्शन में मैं अपनी तरफ से ये मास फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं था बट मैं फिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। ठीक है, अदरवाइज हम कर नहीं सकते। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया देखो। ठीक है, अब ये सोच के देखो मास जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा। तो देखो, तो अगर मैं ये सोच रहा हूं कि अंदर वाले का मास, अगर सोचो जो कैविटी है उस पोर्शन में जो मास है वो अगर एक्स से मान लेते हैं तो टोटल का मास क्या 8x होगा या नहीं? क्योंकि वॉल्यूम तो 8 टाइम्स हो रहा है ना, मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब है। इसका मतलब रेडियस अगर डबल होगा तो मास 8 टाइम्स होगा या नहीं होगा? हां सर। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? इसी वजह से देखो मैंने यहां पे मास 8m दिया था, क्योंकि अगर टोटल वाले का मैंने पूरा स्फीयर का मास अगर 8m था तो वो जो कैविटी वाला पोर्शन का मास है उसका कितना होगा? m होगा या नहीं? हां सर। समझ आ रही है? इसका मतलब यहां से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, मास इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी जो था दैट वाज इक्वल टू 8m / 8 which comes out to be m only. I hope आपको समझ आई सबको ये बात? हां सर। ठीक है, यस सर। ओके, अब हम सोचते हैं, अब मान लो कि यहां पे जो जो पॉइंट्स हमें फील्ड निकालनी है वो देखो कहां पे निकालनी है। सबसे पहले मुझे निकालना है इसके सेंटर पे, कैविटी के सेंटर पे। इसको मान लेते हैं C1 है और इसके सेंटर को हम C कह लेते हैं, मतलब एक्चुअल जो सेंटर उसको C कह रहे हैं और जो कैविटी का सेंटर है उसको C1 कह रहे हैं। तो हमें C1 पे फील्ड निकालनी है, तो C1 पे फील्ड किसकी वजह से होगा? एक हम ऐसे सोच रहे हैं, एक जो टोटल का है, टोटल का पूरे का फील्ड वो तो हमें निकालना आएगा ना, इंटरनल पॉइंट है और इंटरनल पॉइंट पे फील्ड क्या होती है? सरफेस का वैल्यू इनटू रेडियस रेशियो। राइट, ये है पूरे की वजह से, ये है पूरे की वजह से। बट इस पूरे की वजह से मैं मुझे वो कैविटी वाला पोर्शन का फील्ड क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है ना। राइट, सब्ट्रैक्ट करना है। बट कैविटी की वजह से सोचो, कैविटी में जो मास है उसका तो वो सेंटर है या नहीं है? तो क्या उसका खुद का कोई फील्ड वहां होगा? नहीं सर। इसका मतलब जो पूरे स्फीयर का जो फील्ड सेंटर पे था, मतलब कैविटी के सेंटर पे जो था, वही फील्ड उस कटे हुए पोर्शन की वजह से भी होगा। समझ आई आपको? ठीक है, तो व्हाट वी डू इज, मैं ऐसे लिख रहा हूं देखो, सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट C1, दिस विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एंटायर स्फीयर। ठीक है, एंटायर स्फीयर माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कैविटी मास। कैविटी मास मतलब वहां पे जो हमने फील किया है। आपको समझ आ रही है ना मैथमेटिकली क्या लिख रहे हैं हम? हां सर। ठीक है, हां सर। और कैविटी मास के लिए फील्ड वहां पे कुछ भी हो नहीं सकता, दिस विल बी जीरो सिंस फील्ड एट सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इज जीरो। समझ आई ना आपको? और इंटायर की वजह से तो आपको पता है क्या लिखना होता है, फॉर्मूला क्या था? सरफेस का वैल्यू इनटू रेडियस रेशियो, याद है आपको? यस सर। और सरफेस का वैल्यू मतलब जी इनटू एम, टोटल का मास कितना था याद है आपको? 8m था, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 2r है, तो 2r का स्क्वायर एंड इनटू रेडियस रेशियो, एंड रेडियस रेशियो अगर आप देखोगे तो कितना है? r डिवाइडेड बाय 2r है। आपको समझ आया फॉर्मूला कैसे यूज किया हमने? हाँ सर। ठीक है, सो दिस बिकम्स, ये अकॉर्डिंगली आप देखो यहाँ पे 2 2 4, 4 2 8, 8 8 कट गया, ये सिंपली जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया। देखिए आपको? हाँ सर। ठीक है, चलो ये तो पहला पार्ट हमारा हो गया है। अब उसने पूछा है, देखो सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर on the line joining center of sphere and center of cavity. तो ये point कहाँ है ये बताएंगे आप मुझे? C और C1 दोनों के पार। C और C1 को join करता हुआ जो line है, वो तो dotted line है ना, दिख रहा है आपको? हाँ सर। उस dotted line पे center से आपको 3r distance पे लेना है।
तो क्या ये यूनिक पॉइंट है ऐसा या फिर दो पॉइंट होगा ऐसा? दो पॉइंट होगा, दो पॉइंट होगा, एक होगा राइट की तरफ और एक होगा लेफ्ट की तरफ भी, राइट? लेफ्ट की तरफ। तो दो पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ले रहे हैं, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, लेट अस से दिस इज पॉइंट बी। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, अब ये देखो, ये जो कैविटी वाला जो मास है उसके साथ पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2r, है ना? हाँ सर। और कैविटी वाले मास से सेंटर से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4r। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। और इसमें मास कितना था याद है आपको? m था ना। तो इस मास का मतलब जो कैविटी वाला मास है उसका फील्ड तो आपको पता चल गया, पॉइंट ए पे भी कितना है और पॉइंट बी पे भी कितना है, पता चल गया ना आपको? हाँ सर। बस यही वाला फील्ड आपको टोटल फील्ड से सब्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है? हाँ सर। तो ये आसानी से निकल जाएगा एंड अट्रैक्टिव तो होगा ही, डेफिनेटली अट्रैक्टिव फील्ड ही होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए अंदर की तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी भी अंदर की तरफ, और ये वाली फील्ड ये मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अब मैं ये सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए निकालनी है। तो वेक्टर्स हम लिखेंगे, सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एंटायर असेंबली एंड माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कैविटी मास, ठीक है? और ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एंटायर मास इज जी इंटू 8m डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस जो है उसका 3r है, तो 3r का स्क्वायर माइनस ऑफ जी इंटू एम, सॉरी जी क्या लिख रहा हूँ, जी इंटू एम एंड डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। देखो आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो पूछ लो, चेक कर लो एक बार, दिख रही है ना सबको? ठीक है, yes. ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए मिल जा रहा है, सो दिस बिकम्स जी एम बाई आर स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा, सॉरी, और इसके साथ आपका बनेगा 8/9 माइनस 1/4 हो जाएगा। सो 4 × 8 इज 32, 32 में से 9 चला गया 23, 9 × 4 = 36, तो 23/36 इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर। समझ आइए सभी को? इसी तरीके से आप ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी भी निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी अब लिखो, तो क्या लिखोगे फिर से भाई? जी एट एम डिवाइडेड बाय 3r का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय, उसके सेंटर से डिस्टेंस कितना था याद है आपको? 4r था, याद है? पॉइंट बी का डिस्टेंस, देखो पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना था, 4r था ना, दिख रही है आपको? बस यही सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे आपके पास बन गया जी एम बाई आर स्क्वायर and this multiplied with 8 divided by 9 minus 1 by 16. ये आ रहा ना? तो you get g m by r square और ये हो गया आपका 16 × 8. 16 × 8 is 132 चला जाएगा ना? 128 में से 9 चला गया तो कितना बचा? 119, है ना? हाँ sir. तो 119 and divided by, ये हो जाएगा आपका 16 × 9 मतलब 144